फाइनली गाइस दो दिन का यात्रा समाप्त हुआ और बोलबम पैदल कांवर यात्रा 2024 हम लोग अब आ गए हैं बाबा धाम देवघर। हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी, हे भोले ना पैदल ही अइबो तोर दुआरी। स्वागत है भाई आप सभी का बोलबम कांवर यात्रा डे 3 फाइनल डे में। अभी हम हैं कोलियारी नदी में और यहाँ पे आप भाई व्यू देख सकते हो कितनी मार्केट लगी हुई है यार। ये देखो भाई श्रद्धालु पूरा, अभी भाई सुबह का 8 बज रहा है लगभग, और उसके बाद भाई यहाँ की मार्केटिंग देखो कितना भीड़ लगा हुआ। ये देखो भाई क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, भुट्टा मिल रहा है, बाकी आप भाई फल लेना चाहते हो फल मिल रहा है, पूरा भाई मार्केट यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा माहौल बना हुआ है भाई। भाई गुड़ियारी नदी पूरा सभी यात्रियों के लिए पूरा टूरिस्ट स्थल जैसा होता है, यहाँ पे जितने भी सारे बम लोग आते हैं सारे लोग यहाँ पे ही फोटो खिंचाते हैं। यहाँ पे देखो भाई क्या क्या लोग, ये देखो शंकर भगवान बन के हैं, ये भाई रहा शिवलिंग, बाकी आप देखो भाई घोड़ा भी अवेलेबल है यहाँ पे। भाई आप जितने भी घोड़ा का फोटो देखते हो ना वो यहीं का रहता है गुड़ियारी नदी का। ये देखो भाई ये रहा, ये लो भाई ये तो पूरा बाबा जी बना दिया भाई। बाकी आप नहाने के भाई पानी कम है इसलिए नहाने के लिए देखो झरना का टाइप जैसा बना दिया, यहाँ पे नहा सकते हैं, मोटर लगा हुआ है। भाई सुल्तानगंज से लेकर देवघर के रास्ते में पैदल कांवर यात्रा की जो रास्ता है उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर नदी है वो है गुड़ियारी नदी, क्योंकि इस नदी के बाद ये जो झारखंड बॉर्डर होता है वो 5 किलोमीटर में आ जाता है और ये बाबा का मंदिर लास्ट 15 किलोमीटर बचता है भाई। तो इसलिए यदि कोई गुड़ियारी नदी आते हैं तो उनको कन्फर्म हो जाता है कि भाई अब पार लग जाएगा, अब हम बाबा का धाम हम जा सकते हैं पैदल भी। ये देखो भाई डाकबम के लिए मालिश के लिए खड़े हैं लोग, ये देखो ये तो बोलबम का कर रहे हैं लेकिन डाकबम के लिए खड़े हैं भाई, अनाउंसमेंट कर रही है। देखो भाई ये चल रही है भाई फ्री सेवा, ये देखो भाई लाइन से, ये देखो ये था भाई। मैं आपको पहले भी बताया था कि मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर रोड पे खड़े रहते हैं डाकबम की सेवा करने के लिए, लेकिन भाई प्राथमिक तो डाकबम को देते हैं लेकिन बोलबम की यदि आवश्यकता होती है तो फाइनली गाइस 2 घंटे लगातार चलने के बाद हम क्रॉस कर रहे हैं भाई बिहार और झारखंड बॉर्डर। ये रहा भाई सामने में ही ये जो दिख रहा है ये है भाई झारखंड बॉर्डर, क्या है बम चॉकलेट, तो भाई ये है भाई झारखंड बॉर्डर। यहाँ से क्रॉस कर लेने के बाद हम लोग को मात्र 10 किलोमीटर और रह जाएगा बाबा धाम पहुँचने के लिए। तो ये भाई बॉर्डर ये देखो, बाकी सारी कमरिया बम लगातार चल रहे हैं। ये देखो भाई ये देखो ये भाई हम लोग निकल गए हैं बिहार बॉर्डर से और ये भाई यही है सीमा, ये जो रोड है यही है सीमा बिहार और झारखंड का, ये इतना दूर है भाई। और अब हम इंटर करेंगे ये रहा बाबा स्वागत बाबा नगरी द्वार, ये भाई बिहार झारखंड बॉर्डर इसके जस्ट सामने भाई ये भाई मंदिर,
यहाँ पे आपको भाई बेस्ट भी मिलेगा। ये देखो क्या कांवर सजा भाई। चारों तरफ भाई कांवर लगा हुआ है, कांवर से सजा हुआ है। ये भाई है धर्मशाला, इसके अंदर ही ये मंदिर है भाई। नाचते कूदते बोलबम बोलते बोलते हम लोग आ गए भाई अब बाबा नगरी। हम हेल रहे हैं यहाँ से, बाबा मंदिर मात्र 3 किलोमीटर है और नेहरू पार्क भाई 2.5 किलोमीटर। ये भाई हम अब इंटर कर रहे हैं और ये जो हाईवे है ना, ये हाईवे से जितने भी, यदि आप गाड़ी से आते हो तो इसी हाईवे के अंदर से भाई आपको आना होता है और उसके बाद फिर मतलब ये जो पैदल है और जो गाड़ी का है वो दोनों फिर यहाँ से ज्वाइंट होके चलते हैं भाई। ये है भाई कुछ भी यहाँ, ये है भाई हाईवे और ये रहा भाई गेट। यहाँ से पैदल श्रद्धालु आते हैं इस तरह से गाड़ी वाले और यहाँ से मिलते हैं भाई। दो दिन का यात्रा समाप्त हुआ और बोलबम पैदल कांवर यात्रा 2024 हम लोग अब आ गए हैं बाबा धाम देवघर और अभी हम लोग हैं भाई शिवगंगा में। ये रहा शिवगंगा, अभी हम लोग आ गए हैं भाई शिवगंगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था, एक बार तो संकल्प सुल्तानगंज में होता है, दूसरा संकल्प भाई देवघर में जाकर शिवगंगा के पास होता है। तो हम लोग यहाँ पर नहाकर स्नान कर फिर यहाँ से अभिषेक कराएंगे और उसके बाद फिर बाबा धाम बाबा भोले पर जल चढ़ाएंगे भाई। तो फिर हम लोग का मतलब जो यात्रा है वो कम्प्लीट होगा और उसके बाद फिर हम लोग भाई घर के लिए निकलेंगे। बोल बाप। तो भाई हम लोग नहा लिए हैं, जल संकल्प करा लिए हैं और अब जा रहे हैं भाई बाबा बैद्यनाथ मंदिर। ये रहा भाई रास्ता। तो हम भाई अब पहुंच गए हैं बाबा धाम की नगरी बाबा धाम। ये देखो भाई स्क्रीन पे चल रहा है बाबा पूजा, अंदर तो एंट्री नहीं है। हम लोग यहाँ पे चोंगा में डाल रहे हैं। ये देखो भाई जहाँ, यदि आप मंदिर में नहीं जाना चाहते हो तो ये है भाई चोंगा, यहाँ पे आप जल डाल सकते हो। ये देखो भाई यहाँ पे पूरा सिस्टम बनाया हुआ है जल डालने के लिए। ये रहा भाई, और यदि आपको लाइन में लगना है तो उस साइड से लाइन आता है भाई, पूरा घूम के बिल्डिंग में आपको लाइन में लगना होगा और इस तरफ से भाई निकासी होता है एग्जिट। यह भाई बाबा मंदिर का सिस्टम। पिछले बार हम लोग आए थे भाई तो ये तो असली नहीं चल रहा था, बट अभी देखो भाई चल रहा है। ये देखो शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 पहली बार देखा हूँ। ऐसे तो भाई पैर रखने की जगह नहीं होती है, आज है संडे इसलिए भाई बहुत ही कम भीड़ है आज। ये देखो सारी जगह फाका है, उतना तो भीड़ नहीं है भाई जितना हर एक वर्ष होता है सावन माह में। ये भाई अभी भी भीड़ है बट उतना भी भीड़ नहीं है भाई जितना हर साल सावन में होती है।
ये है भाई लाइन, जहाँ से लाइन लग कर बाबा भोले में आते हैं जल चढ़ाने के लिए। ये देखो इस सामने से आता है और अंदर से भाई मंदिर में मिले। ये है भाई बाबा भोले नाथ का मंदिर, यहाँ से आते हैं सारे लोग जल चढ़ाने के लिए। बोल बाप भाई पार्वती मैया का मंदिर। ये है भाई आ रहा भाई बाबा का प्रसाद भर दे। देखो फिर बोल बाम भाई बोला पहले पैसा डालो उसके बाद देंगे, पैसा डाल दे भाई। इस साइड में लगी है भाई पार्वती मैया का लाइन, इसमें भाई उतना भीड़ नहीं है जितना बाबा भोले के मुकाबले, इसमें उतना भीड़ नहीं है और बेसिकली आज संडे भी है इसलिए भी ज्यादा भीड़ नहीं है। शंभू शंभू